जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग BSSC प्रथम इंटर स्तरीय मेंस जो कि 25 दिसंबर 2020 को हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं खुद इस एग्जाम में बैठा हुआ था। तो इसका जो लेवल था, एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल का था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको पहली बार देखने को मिले थे इस एग्जाम में। तो ओवरऑल जो हाईएस्ट नंबर जो इनमें गया था बहुत सारे लड़के का, तो 130 के आसपास गया हुआ था, जैसा कि मैं रिव्यू किया था इस एग्जाम का। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभ्यर्थीकरण कृपया ध्यान दें इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों दो तरह का पेपर होता है। एक सामान्य हिंदी जो कि 100 नंबर का पूछा जाता है, और उसका जो लेवल था आप 100 में 100 कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं था। और सेकंड में जो 150 नंबर का GS का जो पूछा जाता है, उसमें देखिए सामान्य अध्ययन यानी GS से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद विज्ञान एवं गणित से जो है 55 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मानसिक क्षमता जाँच से यानी रीजनिंग से आपका 45 क्वेश्चन बने थे। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का जो हिसाब मैं आपको दे दिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देश का पहला फ्रेट विलेज कहां बनेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ओके, तो जो भी टिक किए हुए हैं तो आप वाराणसी को सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया, इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्योंकि बॉस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो हमें तेजी से ही बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्काबाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए स्थान आरक्षित है, तो कितने स्थान जो है SC के लिए आरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पोर्टोनोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पुस्तक VR डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफ जई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योकोहामा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे खारे पानी का झील जो है कौन सा है। तो चिल्का। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा मतभेद हुआ है लड़कों के बीच में, क्या इसका दो आंसर बन के आ सकता था, एक सांभर एक चिल्का। जब इस क्वेश्चन को आप लोग हिंदी में सर्च कीजिएगा गूगल में, जो कि बोर्ड के द्वारा ही दिया गया था, तो उसमें आंसर आपको चिल्का आता है। जब उसी क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में सर्च करते गूगल में, तो वहाँ पर सांभर आता। तो इसमें आयोग डिपेंड करेगा कि आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है। तो अभी इस सेट के अनुसार इसका आंसर चिल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इंस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो ये भी एक विवादित क्वेश्चन था BSSC का, जिसमें कि आंसर ये सेट के अनुसार जहांगीर दिया गया है, मगर बहुत सारे लड़कों का मानना है कि इसका आंसर औरंगजेब होना चाहिए। अब ये दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए, आयोग निर्णय लेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती में दिया गया। देखिए यहाँ जो है आपका कुश्ती की बात किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है, यानी कौन सा ज्वालामुखी जो है दोस्तों
वो मृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माउंट पोपा। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत देर सर्च किए थे तभी ये क्वेश्चन का आंसर मिला था क्राउन पब्लिकेशन के बुक से। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों का वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। और जब ये रिव्यू दिया गया था इस पेपर का यूट्यूब के माध्यम से तभी इसका आंसर पंचायती राज के संबंधित मंत्री को बताया गया था, मगर इसका आंसर ये सही है सेट में संबंधित राज्य का राज्यपाल, क्योंकि तो मैं इस खुद क्वेश्चन को क्राउन पब्लिकेशन से सर्च किया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और इसमें था 15 नंबर क्वेश्चन, कोरोना रोग का पहला केस भारत में किस राज्य में मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और क्वेश्चन था कि किस संस्था ने 2020 का नोबल शांति पुरस्कार जीता था? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इधर नहीं होगा, ऑप्शन जो है इसका इधर होता है दोस्तों। मैं आपको जस्ट तो इसका ऑप्शन विश्व खाद्य प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में, प्रत्येक वर्ष मतलब किस तारीख को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो घटा था किसके पूर्व घटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डांडी मार्च, क्योंकि डांडी मार्च 1931 को हुआ था और सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ एक विवादित प्रश्न उठता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ स्तर पे 1934 तक भी चली थी, जैसा कि आप अगर विस्तृत जानकारी रखते हैं, मगर क्रिप्स मिशन जो है आपका जानते ही कब क्रिप्स मिशन आया था, तो ये आंसर भी हो सकता है आयोग के अनुसार, या इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकता है आयोग, क्योंकि इसका आंसर जो है मुझे क्लियर नहीं लगा था जो मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर में कि बर्मा किस ब्रिटिश अधिपति से मुक्त हुआ था? बर्मा जो है ब्रिटिश अधिपति से कब मुक्त हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में जो है बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुआ था। नेक्स्ट चलते दोस्तों, ये एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन का और हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिकेट कैप्टनसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के किसके जीवन के घटनाओं पर आधारित है? तो देखिए आंसर भी जो है बहुत ही लगभग आपको ऑप्शन जो है बहुत अच्छा अच्छा उसमें चूज करके दिया गया था, कंट्रोवर्सी क्रिकेट बहुत हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 22 नंबर और इसमें देखते हैं नाप्ता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आंसर है दोस्तों पालघाट स्थित है। तो पालघाट जो है आपका कोयम्बटूर पलक्कड़ के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलांडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता है वो संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई। ऑप्शन ए बैडमिंटन से, ऑप्शन बी कुश्ती से, और एथलेटिक्स या फुटबॉल। तो वो एक एथलेटिक्स है, वो धावक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी उनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भरंस घाटी से बहती है? तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था जिसका कि के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें जो है मैचिंग करने का था तो मैं आपको बता दूं कि इसका
क्या आंसर होने वाला है उसके आप लोग, यहाँ पर था आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी ये जो है कौन से लिखे थे, तो ये रघुराम राजन जी लिखे थे। उसके बाद माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक किन्होंने लिखा था, तो एल के आडवाणी ऑप्शन नंबर डी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये तो आप जानते ही हैं जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही ईजी था, और इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री में दूसरा कार्यकाल जीता है, यानी दूसरी बार कौन सा प्रधानमंत्री जीते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जेसिंडा अर्डर्न, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है, तो इसका आंसर था, बहुत ही इजी आंसर था, महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 31 का बी पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 32 नंबर, राजा रवि वर्मा कौन थे, तो ये एक चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर है। उसका 33 नंबर में दोस्तों देखते हैं तो पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो अति सिंचाई के कारण जो है यहाँ पे भूमि का जो है क्षति हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लिया था, यानी कौन ऐसे थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं है और है मैं आपको ध्यान देने का पड़ेगा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है, आप कभी कभी हड़बड़ा के नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से आपका क्वेश्चन गलती हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संचालन समिति जी वी मावलंकर, बाकी बात जो है तीनों का सही सही समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2002 से, ये नवीन जिंदल वाला मामला था जो कि 2002 में ध्वज संहिता प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार पूछा गया था जीएस में, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार जोशी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मरीना बीच, 38 का ऑप्शन नंबर डी मरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति को ही प्राकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं भारत में निम्नलिखित सॉरी भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है, तो ये एक तो उसे व्यवसाय चक्र कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसमें मंदी मारे थे तो ये नहीं होगा, तो व्यवसाय चक्र में जो है कभी संकुचन होता है और कभी उसका विस्तार होता है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ इसको कटिंग कर दूँ। हाँ आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार से सबसे अधिक समृद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी
जो है आपका पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड वगैरह क्षेत्र आता है कुछ कुछ उसमें, तो इसी में जो है कोयला भंडार का जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो 43 नंबर का जो आंसर होगा उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। बहुत कुछ में जो है पर्वतीय वर्षा हमें जो है बहुत कुछ टिक किए थे, मगर इसका आंसर संवहनी वर्षा होगी। ठीक है, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, महामंदी की स्थिति पैदा हो गई थी। मंदी नहीं, इसे कहते हैं महामंदी की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, गंधार कला में किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदी और यूनानी कला का संयोजन को ही हम लोग गंधार कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ अलग होगा, तो शायद मैं भूल भी सकता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं ये जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान पे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलित्जर पुरस्कार, जो हमारे रवीश सर को भी मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हाकिम अजमल खान। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन मारा था ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान, ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा हाकिम अजमल खान। उसके बाद दोस्तों ये जीएस का सीरीज खत्म हो गया और हम लोग चलते हैं विज्ञान और गणित की ओर। दोस्तों यहाँ से जो है आपका मैथ और साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैथ का आंसर है दोस्तों मैं बता दूंगा, कोई भारी मैथ नहीं, आप आराम से इसे कर सकते हैं। और लास्ट में जो है मैं इसका सॉल्यूशन जो है स्क्रीन पे ला दूंगा, आप वहाँ से देख के इस सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट से एक पुस्तक बेचने पर उसे 25% की लाभ कमाता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य यानी आपका जो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए, 18.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत पर 1 अंक कम हो जाते हैं। यदि वो 50% हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, नहीं तो मैं लास्ट में जो है आपका सॉल्यूशन का पेज का स्क्रीन दिखा दूंगा, वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 53 में देखते हैं, इसमें जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन पूछा गया था 53 में, 47/11 का। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.27। बहुत ही इजी सवाल था, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवर्षीय। सिंपल सा चीज़ था क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जो है एक कंडीशन में आपको 12% में चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा और एक में जो है अर्धवार्षिक में दिया जाएगा। तो दोनों में कितना का डिफरेंस होता है वो आपको बताना था। तो ईजी है, तो आप कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, 180 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, क्या निम्न परिपथ में ए से बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा? तो देखिए ये स्ट्रक्चर था, इससे आपको जो है इक्विवेलेंट जो है
परसिस्टेंस निकाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही विवादित प्रश्न था, बहुत सारे लोग का आंसर था 1.5, मगर अंत में जो है आंसर 2 ही दिया गया है, इस बुक में भी दिया गया, और बहुत जो 100 लोग हुआ था उसमें भी अधिकतर 2 ओम निकल के आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इसका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके अंतर जो है 13, यानी x प्लस वाई जो है आपका 25 कीजिएगा, x माइनस वाई जो है आपका 13 आ गया, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? देखो दोस्तों यहाँ नहीं है और हाँ है, इसमें आपको बहुत ही जल्दी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका एक नंबर खा सकता है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्मी ईंधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या यदि 12 पेनों का मूल्य आठ सॉरी यदि 12 पेनों का मूल्य क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 59 क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50%, 50% इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग आप सॉल्यूशन कर सकते हैं सी पी माइनस सॉरी इसको आप लोग इसमें माइनस कीजिएगा, नीचे में 8 लिख दीजिएगा, तो आप 50% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त हो किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम जो है आपका मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा जब जल का प्रकाश में अपघटन होता है तब जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपका लगभग 1 लाख रुपए 9 माह के लिए 4% सॉरी 4 प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही हो? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन था क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन भी बहुत क्लोज क्लोज दिया गया था, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत में गलत हुआ था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 30.30, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पी क्यू आर प्लस इक्वल्स टू वन आर पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू आर क्यू इक्वल्स टू 1/3, तो तीनों का रेशियो क्या होगा? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि संख्या 486582 में 8 का स्थानीय मानों में अंतर क्या है? देखिए 8 है यहाँ पे, यानी जो आप जो है पूरे में जो है माइनस कर दीजिएगा, तो इसका आंसर जो है दोस्तों 64 का डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं ये एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, जिनका फिजिक्स बहुत ही अच्छा था वही इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। तो 10 न्यूटन के एक बल से किसी द्रव्यमान को M1 पर लगाए जाने वाले सॉरी यहाँ उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो द्रव्यमान M2 पर लगाए जाने वाले 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है, तो अगर दोनों द्रव्यमान M1 तथा M2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, जो कि अच्छे से तैयारी किए होंगे NTPC का या ग्रुप डी का, तो वो क्वेश्चन ये कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सकृतिया श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फेरस और फिर निकल, तो इसका आंसर नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन जो है आपका 60 है और संपूर्ण औसत वजन जो है 64 है, तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन क्या? तो इसको आप दोस्तों एलिगेशन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, तो आपकी सुविधा आप जिस मैट्रिक्स से बनाएं, अंतिम में जो है मैं सबका
सॉल्यूशन दिखा दूंगा, क्योंकि मैं अभी तुरंत ज़्यादा सॉल्यूशन करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 67 का, ऑप्शन नंबर बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 68 नंबर, कि एक छात्र जितने प्रश्न सही किए थे उससे 2 गुना गलत किए हैं, यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हैं तो बताओ सही प्रश्न कितने किए होंगे। दोस्तों तो इसका सिंपल सा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लॉजिक लगा के दिखा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि डाइक्लोरोवास, सल्फरमेथ्रिन और कार्बन डेजिन निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थक्कारोधी दवा है। क्या है? थक्कारोधी दवा है, यानी ब्लड क्लॉटिंग ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़ी भिन्न है, यानी सबसे जो डेसिमल फ्रैक्शन में इसको हम लोग तोड़ेंगे, हाँ तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो इसका आप आराम से कर सकते हैं। तो 70 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स इक्व टू तथा वाई इक्व टू 3, तो एक्स वाई का मान कितना होगा। तो 71 का दोस्तों आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्या है जो कि 6 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप दोस्तों 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और 84 तक चले जाइए तो आपको ये संख्या मिल जाएगी, मगर 17 से बोला गया है तो यहाँ 18 भी आप काउंट कीजिएगा। तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 43, 216 तथा में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वो 123 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों ये एक HCF का क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 473 का, ऑप्शन नंबर ए 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 74 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों बढ़ते हैं, जल सल्फ्यूरिक अम्ल कांच व कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 वो 1.63 है, तो प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी। तो दोस्तों 75 का सही आंसर होगा कार्बन डाइसल्फाइड में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पेट्रोल की कीमत 75.50 रुपये प्रति लीटर थी, पहले कीमत 20% वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी आई, तो अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर क्या है। तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 81.54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और दो संख्याओं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, तो तीसरी संख्या को दोस्तों हम लोग 100 मानेंगे, उसके बाद इन्हें रेशियो में तोड़ देंगे तो इससे आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है। तो दोस्तों यानी ओम चालक है, तो 78 का ऑप्शन होगा सिल्वर जो है आपका ओम चालक है, यानी आप विद्युत का सुचालक है, एक तरह से ये बात पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है दोस्तों, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दो मोबाइल फोन के प्रत्येक का जो है 4500 रुपये में बेचने पर एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेनदेन में क्या हुई, क्या लाभ हुई, क्या हानि हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.36 का, इसका जो है सक्सेसिव परसेंटेज निकाल के आगे का आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है और उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि मुझे लगता है क्या BSSC का जो ये सेट है सबसे आसान क्वेश्चन यही था, मगर सबसे ज़्यादा गलती दोस्तों इसमें किया गया था लड़के के द्वारा, क्योंकि वो 1 को इमेजिन कर ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या होल नंबर का बात किया गया था, तो होल नंबर में 1 भी इंक्लूड होता है। तो 37 का 1 × 37 कीजिएगा और 37 में 1 माइनस कर दीजिएगा तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्या जो कि 5 से विभाजित है उसका योग जो है 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये एक आसान सा एवरेज का क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब व लाड़ आना किस देह के केंद्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका
पश्चिम मस्तिष्क जो है यहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो 83 का दोस्तों आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाना और ताप घटाना। तो एक शानदार सा क्वेश्चन था, BSSC के द्वारा पूछा गया था, ताप बढ़ाना और ताप घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यूरिया का उपयोग किया जाता है तो यूरिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पी इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, √2√x। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो दोस्तों एक आसान सा क्वेश्चन था जिसका कि आंसर हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 87 में। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका कि मध्य अनुपाति 24 तथा तृतीय अनुपाति 1536 है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है जो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा सोल्यूशन, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 और 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर के किससे स्रावित होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से जो है ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या है? तो दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम टेकन था, तो इसका आंसर होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 12.9, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 91 में कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो एक आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। एक शानदार सा क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच आ रहा है, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है? तो दोस्तों 92 का ऑप्शन जो है IgA जो है प्रतिरक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मार्च 2019 तक 7.1/2% की दर से क्या होगा? दोस्तों इसमें आपको डे के हिसाब से परसेंट निकालना पड़ेगा और उसको जो नंबर ऑफ डेज है गुना करके आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मगर आपको से बन जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 27.30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं कि एक विद्यालय की कैंटीन लंच में के 20 रुपये तथा दूध के लिए 4 रुपये प्रतिदिन चार्ज करती है रमेश 5 दिन के लिए इन चीज़ों पर कितनी राशि खर्च करेगा? तो मिनिमम जो है दोस्तों इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का 120 रुपये खर्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 की गुणज है वो कौन है? दोस्तों सिंपल सा है, बाय ऑप्शन आप जाके इसे 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 994। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है, यदि उनका योग जो है 60 है तो बड़ी संख्या क्या है? एक आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आलू क्या है? तो आलू दोस्तों एक डंठल है, इसका इंग्लिश होता तो आप और अच्छे से समझ सकते थे, जिसे हम लोग तना भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, और कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, आप इसे जानते ही भी होंगे, इंसुलिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना है तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना होगा? यानी प्रतिरोध को अगर कम करना है तो उसको क्या हम लोग समानांतर में जोड़े या सीरीज में जोड़े? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर में जोड़ा जाता है यदि प्रतिरोध कम करना होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या है? देखिए वेट वेयर जो है दोस्तों 101 का ऑप्शन नंबर सी, एक मानव मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
समताप मंडल में परावैगनी किरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये आपको क्वेश्चन पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान तत्व के सभी आइसोटोप, सॉरी हाँ, क्या होते हैं? तो आइसोटोप का मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों कि उसमें जो है एक जैसी परमाणु क्रमांक सेम होता है और इसका जो परमाणु जो भार होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों वो स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं यहाँ से 106 से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। RUSH का कोड जो है दोस्तों 66 है, तो गर्ल का जो है कोड क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल सा है, 106 का जब आप इसे सब ऐड कीजिएगा दोस्तों तो ये 66 होगा, जब आप गर्ल को ऐड कीजिएगा दोस्तों तो 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक शानदार रीजनिंग था 107 नंबर का। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप 24 देख रहे होंगे, यहाँ 4 और 3 देख रहे होंगे, यहाँ 5 और 10 देख रहे होंगे, इसी तरह ये बना हुआ था। तो यहाँ क्या होगा? तो इसका मैं जानकारी दे दूँ दोस्तों कि यहाँ जो है 4 × 3 करना था और ये देखिए 5 से भागा हो रहा है 10, 6 से 10 भाग हो रहा है 12 और 7 से भागा हो रहा है 14। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, 4 × 3 करते हैं तो 12 होता है और 5 को जब हम लोग भाग देते हैं 10 से तो यहाँ 2 आएगा, तो 4 × 12 = 24 और 4 × 3 तो 12 और 12 × 2 करेंगे, 2 कहाँ से करेंगे, 5 को जब भाग देंगे 10 में तो 2 भागफल आएगा, तो दोनों को गुना करेंगे 4 × 3 × 2 = 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। तो इसी तरह यहाँ देखिएगा 2 × 1 = 2 और 6 × 2 यानी 12, यानी यहाँ पे 2 गुना है, तो इसी 6 को 12 को हम लोग भाग दिए 6 में तो 2 आया, तो इसी को हम लोग 2 × 2 = 4 कर दिए। इसी तरह 5 × 1 = 5 ही होगा और इस 7 × 2 यानी 2 गुना है, तो 5 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वर्ग कितना है, तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ है क्वेश्चन आपका फिगर से, फिगर काउंटिंग से है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सर्कल जो है शिक्षित को प्रदर्शित करता है, ये रेक्टेंगल यानी आयत जो है बेरोजगार युवा को प्रदर्शित करता है, और ये जो है त्रिभुज जो है आपका ग्रामीण युवा से को प्रदर्शित करता है। तो दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले यानी बेरोजगार युवा जो है प्रदर्शित करने वाले का चयन कीजिए। बेरोजगार, सॉरी यहाँ क्वेश्चन सही से आ नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन में कुछ डिफॉल्ट है दोस्तों कि बेरोजगार युवा को, हाँ ये क्वेश्चन में जो है कुछ मिसप्रिंटिंग है, इस कारण से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या सीरीज का क्वेश्चन है, तो 7 × 2 = 3 × 6 + 1 = 7, 7 × 2 = 15, तो 15 × 2 = 30 और 31, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या एक शब्द शब्द का चयन करें जो समान में हो, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसा। नीलम एक रत्न है, पन्ना भी एक रत्न है, हीरा भी एक रत्न ही कह सकते हैं उसे, क्योंकि वो एक सॉलिड पार्ट, सॉरी सॉलिड नहीं, इसे आप लोग कह, मेटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि सबसे विवादित क्वेश्चन रहा था कि इसकी आकृति से क्या बनाया जा सकता है, कटिंग वाले से क्या बनेगा? तो दोस्तों इसमें बहुत सारा आंसर ये भी दे रहे थे और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर ये भी दे रहे थे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो है आपका फिगर काउंटिंग सिस्टम, दोस्तों देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये जो है आपका मिरर है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे पे आएगा तो ये इसका मुंह उधर हो जाएगा, आप मिरर इमेज का देखे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि
कूट भाषा इंडिया को 37 लिखा जाता है, तब जापान को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों 114 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42 कोड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक कूट भाषा डार्क को 17 लिखा जाता है, तो उसी कोड में सॉफ्ट को जो है कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है आपको एक टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था, जिसमें कि आप तो 3 मिनट लगाइए, तो बहुत ही टाइम टेकन, आप मिनिमम ऑप्शन वाइज चूज कीजिए। आपका ऑप्शन चूज होता है तो सही है, नहीं तो आपको 5 मिनट इसमें टाइम देना पड़ सकता है। यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जो है प्लस है और भाग का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो दोस्तों इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही है, 8 + 20 / 5 × 10 − 4 = 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या, ये जो है श्रेणी, अगली श्रेणी क्या है? तो मैं बता दूँ, इसमें 3 सीरीज बन रहा है, 11 + 4 = 15, 13 + 4 = 17, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सॉरी इससे मैं, ये दोस्तों सवाल जो है सही से प्रिंट हुआ नहीं है, मगर ये 4 का ही सीरीज था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, कोई ये जो 17 जो है यहाँ से प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा, शायद ये 20 जो है फिर यहाँ आता है, क्योंकि ये 20 का सीरीज जो है कॉमन था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ ये जो है सीरीज, ये जो है आपका फिगर था, ये नेक्स्ट देखिए, ये छोटा वाला है, पर यहाँ चला गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर इसको यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ किस में है? इस कंडीशन वाले में है। तो दोस्तों आप, और बड़ा वाला सुई के हम लोग बात कर लें, तो ये देख पा रहे होंगे क्या, पहले जो है इसका पोजीशन यहाँ पे था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये ऑटोमेटिक है या क्या? अभी ये यहाँ आएगा 90 डिग्री पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं यहाँ पे क्या आया, 3 7 23 और 45। दोस्तों शायद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 3 2 6 + 1 7 7 3 21 + 2, तो इसी तरह आप लोग 23 गुना 4 और प्लस आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ ऐड किया गया है, तो आप लोग 95 × 4 और प्लस आप कर कीजिएगा, 95 × 4 + 5 कर दीजिएगा, तो 119 का जो आंसर हो जाएगा 479 का यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। 36 और 50, दोस्तों तो यहाँ 6 का स्क्वायर है और इधर 7 का स्क्वायर +1 है, इस तरह 7 का स्क्वायर यहाँ है यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर + 1 = 65 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये इंडिया का जो है वाटर इमेज पूछा गया है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्त था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये आपका बुरमा से संबंधित था, यहाँ प्लस का मतलब भाग और माइनस का मतलब गुना, भागे का मतलब जो है प्लस किया गया था और गुना का मतलब माइनस किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 122 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। यदि सॉरी हाँ, यदि एल माता है, एम की एन पुत्री है, एल की एल का यू भाई है, भी का, तो भी पुत्री है एम की, तब यू की माता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम जो है यू की माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। ये देखिए आपका जो है ये फिगर वाला क्वेश्चन था, देखिए ये इसके एक चतुर्थांश में जो इसको ब्लैक किया गया है, इसका भी 1/4 में जो है ब्लैक किया गया था, तो सिंपल सा चीज़ है, इसका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। इस सीरीज से संबंधित था, तो आप देख पा रहे होंगे 17 18 16 17 15 16, तो इसका जो है क्या होना चाहिए? दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, यहाँ 17 है तो यहाँ 16 है, यहाँ 18 है तो यहाँ 17 है, यहाँ 16 है तो यहाँ 15 है, तो इसके हिसाब से जो है दोस्तों ये इसके पास आया और ये इसके पास आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 ही इसका, सॉरी सॉरी 17 है इसका आंसर जो है दोस्तों, 16 आ जाएगा, 16 ही इसका आंसर आ जाएगा, 125 का नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, इसका जो है 15 जी ये वाला था, इसका इसमें एक माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं दोस्तों, और ये आसान सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर जो है किसमें ये आकृति निहित है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित क्वेश्चन था, इसका इसका जो है दो टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, दो आंसर आ रहा था,
तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे ए है, बी है, सी है, मगर यहाँ ई है, यहाँ एच है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा है, ए जो है वो एक पे आता है, इसके सामने वाला है 5, यानी 5 में एक माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। और बी है यहाँ 2 नंबर पे और एच है यहाँ पे 8 नंबर पे। तो जब एच में बी को माइनस करते हैं तो शेषफल जो है आपका 6 बचता है। तो सी को किससे, तो यहाँ 4 घटा, इसको घटाएं तो 6 घटा, तो क्या घटाएंगे सी में, तो आना चाहिए 8। तो सिंपल सा है के, यानी के 11 नंबर पे आता है, जब के को सी में घटाया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें विषम हमको खोजना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, पेरिस और मैड्रिड की ये सब शहर है, और पेरिस जो है आपका एक राजधानी है। सॉरी 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 सॉरी, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो है राजधानी है और बर्मिंघम जो है एक शहर है। तो इसका आंसर जो है बर्मिंघम होगा, क्योंकि तो वीडियो इतना लंबा बन रहा है दोस्तों, थोड़ा सा जो है प्रेशर फील कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गलती हो रही है। और देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है कि जो अन्य से भिन्न हो उसको हम लोग देखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक निश्चित कूट में भाषा में 952 का अर्थ होता है वाटर इज हॉट, 2051 का अर्थ होता है हॉट मिल्क इज टेस्टी, और 851 का अर्थ होता है सूप इज टेस्टी। तो निम्नलिखित में से किस कूट का अर्थ सूप है, तो इसको आप लोग आराम से बैठ के सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 130 का ए नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। यदि यदि ग्रेटर देन प्लस को और लेस देन जो है माइनस को, और प्लस जो है भागा को और माइनस जो है वो इक्वल्स टू को निरूपित करता है, और इक्वल्स टू का मतलब, इक्वल्स टू का मतलब है छोटा से है, तथा गुना का अर्थ जो है बड़ा से है को निरूपित करता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको आपको लोग को बारी बारी से सर्च करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते दोस्तों और देखते हैं। यहाँ पर मिरर इमेज के बारे में पूछा गया है, तो इसका आसान सा आंसर हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर सी। सी को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी एक फिगर क्वेश्चन था जिसमें कि दिया गया था कि आपका मूल आकृति ये चौथे नंबर बॉक्स में क्या आएगा, प्लस आएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ गोल है, यहाँ भी गोल है, तो यहाँ भी प्लस वाला ही आना चाहिए। और एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका कि आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और लिखा गया है ए सी एन ई का कोड है 3729 और 11 माना जाए, तो कूट भाषा बी ओ आई एल का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों सब में जो है आपका जोड़ा गया है, दोस्तों देख पा रहे होंगे आप ए है, तो ए में पहले इसका पोजीशन जो एक है, और इसके जो आगे वाला जो 1+2 किया गया है। इस तरह सी में जो है सी का पोजीशन 3 है, और 3+4 किया गया है क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। तो एन है तो इसका 14 है, और 14+15 किया गया है तो 29 आया है। इसी तरह सी का पोजीशन 5 है, तो इसमें 6 जो है जोड़ा गया है, नेक्स्ट अंक जो जोड़ा गया, तो इसी ये सीरीज आया हुआ है। तो आप बी का देख सकते हैं, तो इसका 2 है तो इसमें 3 जोड़ा जाएगा, 5 होगा, और ये 15 है तो इसमें जो है 16 को जोड़ा जाएगा तो 31 होगा, और ये आई है शायद, तो इसका जो पोजिशन होता है 9 होता है, और 9 में 10, जब 10 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और एल का जो होता है 12, और 12 में जब 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो 134 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है सफ़ेद सोना और सोना पीतल, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ओके, क्योंकि जो है दोस्तों सफेद सोना जो सोना से बनाया जाता है, पीतल जो है तांबे से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य जो है कौन सा संबंध दर्शाने वाली आकृति है, चिकित्सक भारतीय एवं आदमी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्योंकि कुछ भारतीय जो है दोस्तों, कुछ भारतीय जो है वो आदमी भी है, औरत नहीं है, और सभी चिकित्सक जो है वो भारतीय नहीं हो सकते हैं, कोई बाहर के भी चिकित्सक भारत में काम कर सकते हैं। तो इसी तरह जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते दोस्तों, एक कूट भाषा में रिजल्ट को 250176, उसी कूट भाषा में LET को, देखिए LET इसी के अंतर्गत आता है, तो आप जो है चूज करके लिख सकते हैं यहाँ 3 2 3 3 6, इधर 3 3 6, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं, तो यहाँ 144 है और यहाँ 23 है और 169 है, तो क्या होगा? देखिए ये 12 का स्क्वायर होता है, अब 12 स्क्वायर प्लस 11 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 23, ठीक है, 12 और प्लस 11 करेंगे तो हो जाएगा 23। इस तरह 169 यानी 13 में जो है हम लोग 14 को अगर जोड़ते हैं, 13 में अगर हम लोग 14 को जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ वो एक माइनस करके जोड़ा है, यहाँ 11 को ही जोड़ा है, तो 13 को में हम लोग 12 को जोड़ेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, ये एक फिगर से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये जो है सीधा 90 डिग्री में ये रोटेट हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर बी नंबर, क्योंकि देख पा रहे होंगे आप सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, जब 90 डिग्री में हो रहा है तो जब इसको हम लोग सीधा करेंगे, इस वाले को ऐसे करेंगे तो ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं और इसमें आप बताइए कि शेर, लोमड़ी और मांसाहारी, तो बहुत को ये पता नहीं है कि लोमड़ी मांसाहारी या शाकाहारी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये लोमड़ी जो है मांसाहारी है, तो मांसाहारी के अंतर्गत ही जो है शेर और लोमड़ी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और NaL का जो है आपका मिरर इमेज बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन था इसका, कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें जो है पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन था, ये आकृति जो है किसमें निहित है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में ये जो आकृति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं, क्या इसमें जो है आपका सीरीज का क्वेश्चन था, अल्फाबेटिक सीरीज का, तो CAR और उसके बाद GCOKEL और यह देख पा रहे होंगे OGI, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, इसके हिसाब से यहाँ 4 बजेगा तो ये होगा S होगा, यहाँ A है तो 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, तो I आना चाहिए, और उसके बाद R है तो ये जो है कितना घट रहा है, तो 3 घट रहा है, यहाँ भी 3 घट रहा है, तो यहाँ 3 घटा, और जब इससे जब हम लोग 3 घटाएंगे तो F आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 145, आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ जो है इसे 2 से भाग दिया गया, इसका आधा किया गया तो 50 आया, और इसमें 2 जोड़ दिया गया, ये कंडीशन यही इसके साथ किया गया, 2 से इसको भाग दिया गया तो 26 की होगा, फिर इसमें 2 जोड़ दिया गया, और जब इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो है ब्लड रिलेशनशिप है, तो तुम्हारे इसमें बोलते हैं मिथिलेश ने नेहा से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो नेहा का मिथिलेश की पत्नी से संबंध बताइए, देखिए यहाँ मिथिलेश से संबंध बताया जा रहा है, मिथिलेश की पत्नी के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा लिखा गया है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता है, तो सेक्युलर जो है आपका नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ आर का प्रयोग किया गया है और इसमें कहीं आर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 148, ए इक्वल्स टू 26, एक्सरे इक्वल्स टू 40, तो वाट इक्वल्स टू कितना बराबर होगा, तो इसका जो दोस्तों मैं आंसर आपको बता दूँ, इसे जो है उल्टा सीरीज में यानी यहाँ ए के बदले जो है 26 लिखा गया है और जेड के बदले 1 लिखा जाएगा, इसलिए उल्टा सीरीज में जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 40 होगा। इसी तरह आप जब वाट को उल्टे सीरीज में दोस्तों जोड़िएगा यानी पीछे से गणना कीजिएगा इसका, तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा 56 इसका आंसर होगा, क्योंकि कुछ प्रिंट जो है सही से नहीं आ पाया है, इसका आंसर जो है 148 क्वेश्चन का ही जो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन ये भी था दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या 324 और 289 इक्वल टू 35, देखिए 324 यहाँ स्क्वायर है, 289 भी स्क्वायर है, 18 और
17 का, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, इसी तरह 21 और 22 को जोड़ेंगे 43 आएगा, तो 625 यानी 25 और 20 को जब लोग हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है दोस्तों 45 आना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो प्रिंट की वजह से जो है मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, तो दोनों आसान सा ही क्वेश्चन था, आपसे कर सकते थे। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, तो बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और कुछ जो है नंबर 19-20 होने वाला है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर कुछ चेंज ही रहता है हमेशा की तरह। तो दोस्तों मैं आपको जो है सॉल्यूशन दिखा दूं कि बहुत तरह का सॉल्यूशन जो है आपको मैथ्स में नहीं दिक्कत होगा या रीजनिंग में दिक्कत होगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन की ओर लेके चलूँ। देख पा रहे होंगे आप वीडियो पॉज करके जो है अभी सॉल्यूशन का अवलोकन कर सकते हैं, जैसे कि मैथ का सीरीज जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देख पा रहे होंगे दोस्तों मैथ का जो है यहाँ से 51 से स्टार्ट हुआ है। मैं धीरे धीरे जो है स्क्रीन को नीचे करता हूँ, आप जो है पॉज करके देख पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ, आप जो है वीडियो पॉज करके इससे बना सकते हैं जिस भी में आप फंसते हैं। तो मैं धीरे धीरे पेज को नीचे स्लाइड कर रहा हूँ, और खासकर मैथ फिजिक्स के जो सवाल थे उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा, इस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है BSSC में। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज बहुत ही लंबा वीडियो बना है, लगभग आपको 35 से 40 मिनट का जो है ये वीडियो पर रहेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि लगातार ये वीडियो बना है, मैं कहीं भी वीडियो को एडिट नहीं कर पाता हूँ, टाइम इतना बचता नहीं है कि मैं वीडियो को कहीं से एडिट कर पाऊँ इतना लंबा लंबा वीडियो, तो कहीं भी मुझसे अगर गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे जो है आप वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्यूशन देख सकते हैं यदि आपने ये सेट लगाया है। तो दोस्तों इसी टाइप से जो है BSSC मेंस का पेपर रहा था, तो जिसे मैं मॉडरेट टू हाई लेवल का बोल सकता हूँ, और जितने भी अभी सेकंड जो एग्ज़ाम आने वाला है लगभग, जिसका कि नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा मुझे लगता है कि BSSC इंटर स्तरीय जो फर्स्ट है उसके बाद ही दिया जा सकता है, तो आप लोग तैयारी कीजिए उसका जम के। जो भी नए कैंडिडेट मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, BSSC बहुत ही आसान सा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये उन सब इसमें जो इंग्लिश नहीं रहने की वजह से जो है कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है, बट क्वेश्चन जो है आपका मीडियम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, बट 150 क्वेश्चन जो बनाने पड़ते हैं इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, मैं जो है आपका धीरे धीरे जो है सभी को क्वेश्चन को मैं नीचे लेके आ गया हूँ, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने अपने स्क्रीन पे दिखा दिया है। तो जिनका भी नहीं बन पाए क्वेश्चन तो आप यहाँ से जाके दोबारा देख के बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।